500 रुपये तो बहुत ज्यादा होते हैं, मैं 500 नहीं दूंगी। कह लो बहस हुई, मानी मेरे से बोल रहा, मैडम मैं बोल रहा हूँ रास्ते में हमारी कैब खराब है, लकी बोल रहा है हो गया आ गई मुंबई से। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है ललित भाई के यूट्यूब चैनल में। और आप सभी सोच रहे होंगे कि मैं हूँ कहाँ पे, क्योंकि ये बैकग्राउंड तो आपने कभी पहले देखा नहीं, तो आप मैं ज्यादा सोच रहे होंगे अरे मैं मुंबई में हूँ। तो दोस्तों मैं मुंबई में नहीं हूँ। आप सोच रहे होंगे कि मुंबई में नहीं हो तो फिर कहाँ हो, तो मैं बताऊंगी आपको मैं कहाँ हूँ। लेकिन मैं मुंबई के लिए निकली थी लेकिन मैं मुंबई नहीं पहुँची, तो मैं कहाँ पहुँची हूँ। तो ऐसा हुआ कि हमारी ट्रेन थी 5 बजे की और राजधानी से थी हमारी, ठीक है, राजधानी से हमें जाना था। और ऐसा हुआ कि हमें 5 बजे निकलना था और हमने कैब की 2 बजे से कैब करने लग गए थे। कैब का पता है वो कैब मिलती नहीं है, तो 2:30 बजे हमें कैब मिली, हमने कैब ले ली और हम चल पड़े कि चलो ठीक है अब चलते हैं। तो हम पहुँचे और रास्ते में हमारी कैब खराब हो गई और ट्रैफिक अलग लेवल का, बारिश अलग लेवल की। तो अब हम लोग को समझ नहीं आ रहा कि करें तो क्या करें। तो फिर हमने कैब वाले भैया से पूछा, भैया कितना टाइम लग जाएगा, तो उन्होंने बोला मैडम 5 मिनट लगेगा। तो मैंने चलो ठीक है 5 मिनट की बात है, टाइम हो रहे थे 3:30। तो मैंने बोला चलो कोई नहीं, अभी 5 मिनट की बात है, 5 मिनट में सब कुछ सॉर्ट हो जाएगा। 5 मिनट हो गए, 7-10 मिनट हो गए, फिर हमने बोला भैया ऐसे तो हम लेट हो जाएंगे, हमें तो जाना है। तो फिर उन्होंने कहा कि मैडम फिर मेरा पैसे का क्या होगा, उनके फेयर का क्या होगा, मैंने आपका जितना फेयर बना है मुत्ता दे देंगे और हम आगे चले जाएंगे। फिर उनसे हमारी थोड़ी बहुत बातचीत हुई, कह लो बहस हुई, मानी नहीं रहे बोल रहा मैडम मैं बोल रहा हूँ, मेरा भैया हमारी ट्रेन मिस हो जाएगी, आपको समझ नहीं आ रहा। तो फिर बात ये हुई कि हमने की दूसरी कैब, हमने उनका जितना फेयर बना उतना दिया, फिर हमने की दूसरी कैब। अब आपको पता है दूसरी कैब करने में भी अलग दिक्कत, फिर उस कैब वाले को आने में लग गए 15 से 20 मिनट और, ठीक है अब बच गए थे 4 और हमारी ट्रेन थी 5 बजे की और अभी भी हम दूर थे, दिखा रहा था 1/2 घंटे से ज्यादा। तो हमें लगा कि चलो कोई नहीं कैब आ तो गई है, तो अब कैब हमने ली, कैब बुक की, अब हम निकल पड़े। अब हम निकले, अब आ रहा था प्लेटफॉर्म नंबर 3 और जब जहाँ पे कैब छोड़ती है मतलब जो मेन स्टेशन है वो प्लेटफॉर्म नंबर 16 होता है, ठीक है, न्यू दिल्ली से हमें लेना था। अब भाई प्लेटफॉर्म नंबर 3 कहीं और, हम कहीं और हम पहुँचे हैं तो बज रहे हैं 4:50, सिर्फ 10 मिनट है हमारे पास और हमें समझ नहीं आ रहा अब हम क्या करें। तो हमने सबसे पहले किया कूली, क्योंकि हमारे पास सामान था, मैं और मेरी फ्रेंड दोनों के पास, हमें था कि हम भाग लेंगे लेकिन सामान लेके भागना थोड़ा दिक्कत में हो जाएगा। अब भाई कूली को पता चल जाता है, उनको पता है कि मुंबई वाली ट्रेन है और 10 मिनट रह गए, तो वो भी फुल फायदा उठाते हैं। मैंने चलो ठीक है, तो मैंने पूछा कितना लोगे, बोल रहे 500 रुपये। मैंने 500 रुपये तो बहुत ज़्यादा होते हैं, मैं 500 नहीं दूंगी। मैं दौड़ती जा रही हूँ उनसे बोल रही हूँ, मैं आपको दिखा नहीं पाई क्योंकि भाई उस टाइम इतनी ऐसी सिचुएशन थी कि तुम शूट करोगे क्या करोगे, और पहली बार मैं जा रही थी वैसे ही इतनी टेंशन थी कि यार अकेले जा रहे हैं कैसा रहेगा, क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। तो मेरे पहला एक्सपीरियंस था और पहला एक्सपीरियंस मेरा बहुत ही, क्या बोलूँ मैं, तो 2-3 दिन तक तो मेरा मन ही नहीं कर रहा था कि मैं वीडियो बनाऊँ, तो मैंने वीडियो बनाई भी नहीं। मेरे को ऐसा लग रहा था कि यार मैं गई लेकिन मैं जा नहीं पाई, मेरे मन में बहुत सारी चीज़ें थी। मेरा बहुत टाइम से मैं प्लान कर रही थी कि मैं जाऊँगी, लेकिन आप जिस जगह के लिए इतना प्लान करते हो और फिर जा नहीं पाते तो और ही ज़्यादा बुरा लगता है। फिर ऐसा हुआ हम पहुंच गए वहां पे, कूली मान नहीं रहा, अब मैंने लगा कि अब पैसे के चक्कर में और दिक्कत हो जाए। फिर मैंने बोला मैं 200 दूंगी, फिर बोला चलो चलो आप मुझे 300 देना, मैंने आप चलो। फिर वो गए हमारे साथ, हम लोग दौड़ते पहुंचे। अब हम पहुंचे स्टेशन पे और पहुंचते 16 से 3rd प्लेटफॉर्म पे पहुंचते रास्ते में सब पूछ रहे हैं कौन सी ट्रेन है, हम लोग कोई सुध नहीं है, हम लोग को भाग रहे हैं मैं और मेरी फ्रेंड कि भाई ट्रेन छूट जाएगी। अब हमारे पास सिर्फ 3 मिनट रह गए हैं और जहाँ हम पहुँचते हैं एलिवेटर से नीचे उतर रहे हैं, हम देख रहे हैं कि गेट बंद है, मतलब वो इलेक्ट्रॉनिक गेट्स होते हैं राजधानी के और मुझे पता नहीं था, तो वो भाई 2-3 मिनट पहले ही बंद हो जाते हैं। अब क्या, अब एक ही ऑप्शन कि हम सबको बोलें कि भाई चेन खींच दो। भाई मैं पहुँच गई वहाँ पर कूली और मेरी फ्रेंड से पहले, मैं बोल रही चेन खींच दो, किसी ने चेन नहीं खींची। फिर जो वहाँ के गार्ड होते हैं उनसे बोला कि अनाउंस कर दीजिए, उन्होंने अनाउंस नहीं किया। फिर उन्होंने बोला कि जो लास्ट में गार्ड होंगे ना ट्रेन में उनको बोल दीजिएगा वो रुकवा देंगे। अब हम वेट कर रहे हैं कि वो लास्ट में वो गार्ड आए और हम उनसे बोले, तो देखा तो वहाँ पे कोई गाड़ी नहीं था। अब भाई हमें समझ नहीं आ रहा हम क्या करें, अब हम दोनों परेशान, अब हम सब, अब तो ट्रेन चली गई, हम लोग अब सोच रहे अब क्या करें। फिर हम पूछने लगे कि नेक्स्ट ट्रेन कब है क्या है, ये सब सीन पूछने लगे क्योंकि भाई आप तो यही पूछोगे। तो हम नेक्स्ट ट्रेन का पूछने लग गए, तो नेक्स्ट ट्रेन दादर जा रही थी और वो जा रही थी 10 बजे के आसपास और उसकी टिकट नहीं थी हमारे पास, हमने टिकट ले लेंगे लेकिन हमने सोचा 10 बजे दादर, हमें जाना कहीं और है, हम पहली बार मुंबई जा रहे हैं हमें कुछ पता नहीं।
अब भाई हम सोच रहे हैं क्या करें, और मेरी फ्रेंड को जाना बहुत ज्यादा जरूरी था, उसके ऑफिस का काम था, तो अब भाई कोई ऑप्शन नहीं रह गया, अब रह गया फ्लाइट का ऑप्शन। तो हम फटाफट निकले कैब की और निकले हम लोग टर्मिनल 3 के लिए, इंदिरा गांधी टर्मिनल 3 के लिए। अब वहां निकले, अब हम फ्लाइट बुक कर रहे हैं, कभी फ्लाइट बुक की नहीं, अब बुक कर रहे हैं कर रहे हैं कर रहे हैं, तो एक दो भैया थे उनसे हेल्प ली और फ्लाइट बुक की। तो अब था भाई फ्लाइट का भी टाइम होता है और पैसे तो पता ही आपको कि जब आप मतलब उसी टाइम करोगे, एक तरीके से तत्काल बुकिंग ही है, इमरजेंसी बुकिंग करोगे तो ये होता है कि पता है आपको तत्काल बुकिंग करोगे तो फिर क्या है पैसे ज़्यादा लगेंगे। अब भाई अब उसको जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, और अच्छा हुआ वो गई क्योंकि उसका प्रमोशन हो गया भाई, और मैं बहुत खुश हुई कि चलो वो गई तो उसका प्रमोशन तो हुआ कम से कम, तो उसका बहुत ज़्यादा ज़रूरी था जाना। अब भाई हमें मिली फ्लाइट 10 बजे की, 9:40 की फ्लाइट थी, वो मिली हमें दिल्ली टू मुंबई, वो हमें मिली 4-5 हज़ार रुपये की कहीं। तो अब भाई ये था कि अब वो जा रही है इतनी रात को तो वो रुकेगी कहाँ भाई, वो भी तो मेरी फ्रेंड भी तो रुकेगी। अब मेरा था कि वो ट्रेन आपको 2-2.5 घंटे में पहुँचाएगी तो 12-1 बज जाएंगे और होटल जाते जाते 2, तो मेरे को था कि भाई अगर मैं 2 बजे रात को जाऊँगी होटल, मेरी फ्रेंड को भी पता है, मेरे को भी पता है कि मम्मी पापा करेंगे गुस्सा, बोलेंगे इतनी क्या जल्दी थी कि तुम लोग 2 बजे रात को कहीं जाके होटल में रुक रहे हो, अच्छी बात नहीं है, ऐसा करना नहीं चाहिए। और मैंने कर दिया मम्मी को कॉल, पहले मैंने लकी को कॉल किया कि मेरी ट्रेन छूट गई, तो उसको लगा मैं मजाक कर रही हूँ, फिर मैंने बोला मैं बाद में बात करती हूँ, तेरे को मजाक लग रहा है। फिर मैंने किया मम्मी को कॉल, और मैंने मम्मी को बोला कि मम्मी को पता था, मम्मी पापा को तो पता है मैं जा रही हूँ, तो मम्मी को मैंने बोला, मम्मी बोल रही है कि क्या हुआ, मैंने मम्मी ट्रेन छूट गई। फिर मम्मी ने ज़्यादा सवाल नहीं किया, मम्मी को पता चल गया कि ट्रेन छूट गई। फिर मम्मी ने बोला क्या करना है, तो फिर मैंने बोला मैं घर आ रही हूँ, मम्मी बोल रही है कि घर आ रही है, मैंने हाँ मैं घर आ जा रही हूँ क्योंकि ऐसा ऐसा सीन है, रात को लेट हो जाएगा और मैं कभी इतनी लेट अकेले तो नहीं रही हूँ, और मैं रही नहीं हूँ तो मुझे आदत भी नहीं है, तो मैं इसलिए नहीं गई। तो फिर मैंने अपनी फ्रेंड को बोला कि तू जा क्योंकि तेरा तो बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर हमने क्या किया, उसके लिए होटल बुक किया क्योंकि भाई वो भी तो लड़की है ना, उसके लिए होटल बुक किया, उस होटल के साथ कुछ टाई अप वगैरह था तो थोड़ी हेल्प हो गई और हमें होटल मिल गया। तो हमें रात को 2 बजे होटल मिला, तो मैंने उसको बिठाया 10 बजे फ्लाइट में, और उसके बाद मैंने कैब ली और मैं घर गई। तो कैब मैंने ली तो मम्मी को मैंने कॉल किया कि मैंने कैब ले ली है, मम्मी पूरे रास्ते मेरे साथ फ़ोन पे कि हाँ तू कैब में है, क्योंकि मैं रात को इतना ज़्यादा ट्रैवल नहीं करती हूँ, आज तक नहीं किया है, तो मम्मी को थोड़ी टेंशन कि भाई सही से जा ये वो गूगल मैप लगा ले, मैंने हाँ ठीक है सब कुछ कर रखा है मैंने, अब टेंशन मत लो। फिर मैं घर पहुंची, घर पहुंचते पहुंचते मुझे 11:30 हो गए, हमने कुछ खाया हुआ है नहीं, टेंशन में अलग टेंशन हो रखी थी, बड़ा आपको बताओ पूरा फिल्मी सीन हो गया था कि भाई हम दौड़ रहे हैं, लोग हमारे पीछे दौड़ रहे हैं, ट्रेन रुकवा रहे, और भी बहुत सारे लोगों की ट्रेन छूट गई थी, तो हमें लगा क्या पता रुक जाएगी ट्रेन, बट ट्रेन रुकी नहीं भाई। फिर मैं 11:30 घर पहुंची, लकी बोल रहा है होके आ गई मुंबई से, तो मैंने बोला भाई क्या ही बताओ, तो भाई ऐसा सीन हो गया। फिर मैंने अपनी फ्रेंड को पूछा, मैं 2 बजे रात तक जगी रही कि भाई वो भी तो है, मतलब कोई तुम्हारे साथ जाता था तो मैं उसकी भी थोड़ी फिक्र हो जाती है। फिर मैंने उसे पूछा, वो पहुंची, मैंने पूछा होटल पहुंच गई, बोल रही हाँ, मैंने कोई दिक्कत, बोल रही नहीं। तो फिर वो मतलब होटल पास था एयरपोर्ट से, तो फिर वो पहुंची, मैं अपने घर पहुंची। फिर मेरे सारे दोस्त बोल रहे हैं एक दिन एयरपोर्ट पे रुक जाती, या कहीं लाउंज लेके रुक जाती, कहीं होटल में रुक जाती, घर क्यों गई फालतू में, तेरा 7 दिन का ट्रिप था, 1 दिन की वजह से तूने पूरा खराब कर दिया। फिर मेरे को लगा कि हाँ यार ऐसे कर सकती थी, फिर मेरे को 1-2 दिन तक बहुत वैसा लगा, फिर मैंने सोचा कि अब क्या करूँ। उसके बाद फिर मैंने मम्मी पापा से बात बात की, फिर मम्मी पापा ने एक चीज़ बताई, मतलब क्या बोलूँ उसमें, फिर मैंने सोचा चलो अब अगली बार कभी होगा तो अगली बार मुंबई जाएंगे, इस बार शायद मुंबई मेरे जाना था नहीं। तो आप सोच रहे होंगे मैं अभी हूँ कहाँ, तो वो आपको आने वाली वीडियो में पता चल जाएगा कि मैं हूँ कहाँ, और आप आगे वाली वीडियो देखिएगा। और मुंबई का मेरा सफ़र ऐसा ही रहा, मुंबई की ट्रेन छूट गई मेरी, तो बस कुछ दिन तो मेरे को भी बुरा लगा, अभी मैं तो हंस के बता रही हूँ ना, तो मेरे को भी बुरा लगा, मेरी होटल्स भी बुक थे, सब कुछ था। तो फिर मैंने अपनी फ्रेंड को बोला कि तू ही रह ले, कोई दिक्कत नहीं है, तो बहुत सारी चीज़ें, बट ठीक है क्योंकि अब 7 दिन मैं नहीं दे सकती थी क्योंकि अब मुझे कहीं और जाना है। तो मैं आपको बताऊंगी अगली वीडियो में कि मैं कहाँ जा रही हूँ, क्या कर रही हूँ। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, आपको कैसी लगी वीडियो ज़रूर बताइएगा, अगर आपके साथ कभी ऐसा हुआ आपकी ट्रेन छूटी हो तो वो कहानी मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि मुझे लगे कि हाँ मैं अकेले नहीं हूँ, मेरी आज तक ट्रेन नहीं छूटी थी भाई, वो ट्रेन छूट गई, मुझे समझ ही नहीं आया ये हुआ क्या, बट ठीक है आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखें, बाय बाय, गुड नाइट।